मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और तथागत बुद्ध की धम्म शोभा यात्रा यहां पर प्रस्थान कर चुकी है और काफ़ी दूर दराज के विशेषकर महिला शक्ति इस पर चढ़ कर भाग लेती हुई नजर आ रही है। हाथों में तथागत की फोटो लेकर उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए महिला शक्ति सड़कों पर उतर चुकी है और ये देख सकते हैं श्वेत वस्त्रों में तथागत बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए बड़ी तेजी से लोग ना धूप को देख रहे ना गर्मी को देख रहे और तेज टेम्परेचर में वो आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जिले भर के प्रतिष्ठित लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पंचशील का ध्वज लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। इस शोभा यात्रा को देखकर बात याद आ रही है, बड़ी बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था, मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है लेकिन मैं मरूंगा नहीं। उसके पीछे यकीनन आप लोग सभी बातों को समझते होंगे, जानते होंगे। जिस तरीके से दलित समाज का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, शोषण हुआ, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बड़ी बात यह है कि बुद्ध धर्म स्वीकार करने वाले वो अकेले ही नहीं बल्कि कई लाखों और मौजूद थे। तो ये नीले झंडे का ध्वज जब जब तथागत बुद्ध की शोभा यात्रा निकलेगी यकीनन उसमें नीला झंडा जरूर होगा, क्योंकि ये ताना बाना पुराना जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों की तादाद में लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने की कोशिश की और उन्हीं के आह्वान पर लाखों लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और ये देख सकते हैं बैंड बाजे वाले भी, जो भी आर्टिस्ट हैं, वो भी नीले वस्त्रों को धारण कर बड़े उल्लास और उल्लास के साथ में तथागत बुद्ध की शोभा यात्रा में गीत गाते और बेहतर धुन बजाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम है जो बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और पूरा विश्व इसको मनाता है। तथागत बुद्ध जो है, तथागत बुद्ध को तथागत बुद्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह अथाह के ज्ञान के अथाह सागर, उनमें मतलब ज्ञान का सागर थे वो एक तरीके से, और उन्हें वैज्ञानिक सबसे पहला जो है विश्व के वैज्ञानिक कहे जाते हैं। उन्होंने देश को, दुनिया को, मानव को यह संदेश दिया कि जो सत्य है उसे मानिए, पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहिए और ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है इस विश्व में। ये सब उन्होंने संदेश दिया था और इसी वजह से बुद्ध को सभी देशों में माना जाता है। बुद्ध जयंती के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ बधाई देते हैं। तथागत बुद्ध एक विचार है, कोई धर्म नहीं है। इस मौके पर ये कहना चाहते हैं, पूरे देशवासियों से ये अपील है कि सभी तथागत बुद्ध के इस दर्शन को अपनाएं, मानव मानव के भेद को दूर करें, आपस में सद्भावना प्रेम भाईचारा से रहें। ये देश के लिए महत्वपूर्ण है, देश की आवश्यकता है, जिससे तमाम जातिवादी ऊंच नीच भेदभाव समाप्त किए जा सकते हैं। इस अवसर पर उन्हें, आप लोगों को, देशवासियों को जनपद अलीगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में बौद्ध धर्म में एक लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। मैंने 1991 में मेरे परिवार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, परिवार है उससे मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के निर्देशन में कार्य करता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अख्तियार किया था तो हम पूरे प्रदेश में और देश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं।
तथा गौतम बुद्ध की याद में आज उनका जन्मदिन है। परम पूज्य तथा गौतम बुद्ध का आज जन्मदिन है। लगभग इस कार्यक्रम में जुलूस में 10,000 के लगभग लोगों की उपस्थिति है इस समय, और इस जुलूस को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज का ये जो पर्व है तथागत गौतम बुद्ध की जो तिलपावन वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह जो आयोजन है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, उसके सानिध्य में निकाली जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए हम बौद्ध के भगवान बुद्ध के अनुयायी इस त्रिविध पावन जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं देती हूं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने एक मानवतावादी संदेश दिया पूरे भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को, और भारत जिस भारत में उन्होंने जन्म लिया वहां पर ही लोग उनको कम मानते समझते हैं, लेकिन जिस विश्व में दिया वहां विश्व के लोग उनको बहुत मानते हैं, उनके मानवतावादी संदेशों को उनको अपनाया है और देशों ने। और बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं उन्होंने तथागत बुद्ध को भारत में फिर से जीवित करने का काम किया, उन्होंने लगभग 5,00,000 लोगों के साथ जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 में। तो आज यहाँ सभी लोग उपस्थित रहे बुद्ध जयंती के अवसर पर, और सभी ने धम्म शोभा यात्रा निकाली, जिसमें मैंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, SCBC के सभी।